आज 26 जनवरी का दिन है। राष्ट्रपति भवन से चालू होती है परेड, राजपथ पर होती हुई और फिर ये लाल किले पर आकर ख़त्म होती है। कोविड के प्रोटोकॉल को देखते हुए इस बार जो मार्चिंग परेड है कम रखी गई थी, उनकी दूरी कम रखी गई थी, लेकिन जो टैबलू हैं, जो झांकियां हैं, वो लाल किले तक आई हैं। ये पहली झांकी जो आप देख रहे हो, जो कि शायद लास्ट है, ये ईस्टर्न इंडिया को दिखाता हुआ है। संस्कृति मंत्रालय का ये टैबलू ईस्ट इंडिया के, जो कि आप बंगाल से लेकर नॉर्थ ईस्ट स्टेट जितने भी हैं उनके आप ये झांकियां दिखा रहा है संस्कृति मंत्रालय। ये दूसरा है जिस पे आप इंडिया गेट को आप देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और ये लगातार फूलों से सजाते हुए आप इनकी सुंदरता का अंदाज़ा लगा सकते हो। ये राजपथ का हमारे तीनों सेना को, डिफेंस को समर्पित ये झांकी अलग अलग फूलों से, सुगंधित फूलों से इन्हें सजाया गया है काफ़ी खूबसूरत तरीके से। तीसरी झांकी आप देख सकते हो जिसका थीम है कनेक्टिंग प्लेसेस, कनेक्टिंग पीपल, और ये है रोहतांग पास से के नीचे से गुजरता हुआ, जो कि नया बनाया गया है अटल टनल, जो कि मनाली को केलोंग से जोड़ेगा और जिसकी दूरी लगभग 4 घंटे कम हो जाएगी। जब आप रोहतांग पास क्रॉस करते हो तो लगभग 4 घंटे की दूरी ये कम कर देगा अटल टनल। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को समर्पित ये झांकी। आगे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का ये झांकी है, वोकल फॉर लोकल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ग्रीन व्हीकल, सोलर प्लांट, ब्रह्मोस, डिजिटल इंडिया, भीम ऐप, धर्मेंद्र कौन? ये झांकी समर्पित है हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, मैरीटाइम फोर्स के लिए, समुद्र प्रहरी। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसकी उम्मीद थी 2020 कोविड के प्रोटोकॉल को और कोविड के रोग को पूरे विश्व को जिसने थाम लिया 2020 का, रोक दिया एक तरीके से 2020 को, 2020 को जिसने भी जिया है वो यही बोलेगा कि 2019 के बाद 2021 में हमारा आरंभ हुआ है, ना कि 2020 में। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी COVID-19 वैक्सीन, इन सबको समर्पित करता हुआ ये टैबलू, ये झांकी। CRPF को भी एक समर्पित होती हुई, वाटर विंग है इनकी, थल पे है, जंगल में है, वैली में है, काफ़ी मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट में ये काम करते हैं। देश के अंदरूनी हिस्से को एक सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी CRPF के जवानों के पास दी जाती है।
ये झांकी कृषि मंत्रालय की लगती है, मैं गलत हूँ, ये है मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड हेल्थ एंड प्रोस्पैरिटी के लिए। आप दालचीनी, इलायची, अदरक, लहसुन, आंवला, हल्दी, लौंग, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा इन सब का सेवन सही मात्रा में सही तरीके से। कहीं ना कहीं ये आयुर्वेदिक परंपरा को मजबूती देता हुआ आयुष मंत्रालय। आगे और भी झांकियां हैं, आप रास्ते में काफ़ी पुलिस और जवानों को आप देख सकते हो। कारण ये है कि आज लाल किले पर किसानों ने अपना आगमन दिया, जो उनके निर्धारित परमिशन था उस परमिशन को कहीं ना कहीं खारिज करते हुए किसानों ने लाल किले पर आकर झंडा फहराया है। सबसे ऊपर तिरंगा झंडा, उसके नीचे किसान और खालसा पंथ के लिए निशान। ये झांकी एक राष्ट्र एक संस्कृति और एक भाषा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। समय पर वेतन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT। श्रम सुधार, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, टेली कंसल्टेशन सर्विसेज, डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर। सो डिजिटल इंडिया भाजपा सरकार की एक प्रमुख एम्फेसिस रहा है डिजिटल इंडिया पर। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी भाग में स्थित अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये कौन से मंदिर को दर्शाया गया है इसका मुझे आइडिया नहीं है। तो राज्यों की झांकी शुरू हो चुकी है। ये कर्नाटका की झांकी,
नारियल उद्योग को समर्पित होती हुई काफी लंबी झांकी है ये, काफी लंबी। और ये है दिल्ली की झांकी, गरीबा कला, जौहरी बाजार, ये इसी चांदनी चौक को दर्शाता हुआ। ये उन खास रोड में से है जिस पर आपको अलग अलग धर्मों के मिल जाएंगे स्मारक मंदिर। तो ये दिगंबर जैन मंदिर या शिव मंदिर या चर्च या गुरुद्वारा सीसगंज साहिब, और सबसे लास्ट में एक मस्जिद जो कि फ़िलहाल इसमें नहीं दर्शाया गया है। तो ये उन चंद रोडों में से है जहां एक ही रोड पर सभी धर्मों के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सभी कुछ आपको देखने को मिलेगा इस चांदनी चौक पर। तो इस झांकी में इस बात को दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश की ये झांकी, ये मंदिर जहाँ तक लग रहा है ये मंदिर ये नए निर्माणाधीन राम मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर, उसको दर्शाता हुआ ये झांकी प्रस्तुत हो रहा है। महर्षि वाल्मीकि को यह दर्शाता हुआ रामायण लिखते हुए। सिक्किम की ये झांकी बौद्ध मठ मोनेस्ट्रीज उनको शो कर रहा है। ये सात चक्र अमूनन यहाँ पे सात होने चाहिए थे लेकिन ये छः हैं। वेस्ट बंगाल की झांकी विक्टोरिया मेमोरियल को शो करते हुए। बंगाल का साहित्य से काफ़ी ज़्यादा लेना देना है एक तरीके से, इसे एक पढ़ने लिखने के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब उपयुक्त माना जाता है कि बंगाली काफ़ी थॉटफुल होते हैं, उसको दर्शाता हुआ। और यह है त्रिपुरा, बांस का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, चाहे वो घर बनाने के लिए हो या रोज़मर्रा के जो सामान होते हैं उनको बनाने के लिए, सजावट के लिए, या और भी बहुत सारे यूज़ जो कि मेरे नॉलेज से काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ये कहीं ना कहीं त्रिपुरा को ही नहीं, एक जो बैम्बू इंडस्ट्री है उसको भी शो कर रहा है। पंजाब गुरुद्वारा, सिख इस चीज़ को दर्शाता हुआ पंजाब का ये झांकी। आगे छत्तीसगढ़ की झांकी है। तो ये पंजाब छत्तीसगढ़ जहाँ जंगल काफ़ी हैं, आदिवासी संस्कृति को और ये जो इंडिजिनस उनके जो म्यूज़िक हैं तो कहीं ना कहीं इनके ये घुंघरू भी आप देख सकते हो नीचे में, तो एक काफ़ी म्यूज़िकल थीम दिया गया है छत्तीसगढ़ को। उत्तराखंड
केदारनाथ मंदिर को शो करता हुआ ये झांकी। और ये वैली ऑफ फ्लावर्स भी हो सकता है, मेरी थोड़ी बहुत जो भी जानकारी है। महाराष्ट्र संत दमिजियंत नरहरी चोखा मेला, संत सेना, संत निलोबा और संत कान्होपात्रा। जैसा कि आप देख सकते हो झांकी में संत कान्होपात्रा एक महिला थी, तो इस को एक और ये शिवाजी का ऐसा लगता है, तो ये टैब्लू यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तमिलनाडु की अगली झांकी हमें दूसरे साइड से लेना होगा। आप इस तमिलनाडु की झांकी को भी आप देख सकते हो। काजीरंगा नेशनल पार्क, गैंडे, वन हॉर्न राइनोसेरस, टी प्लांटेशन, चाय पत्ती की खेती, चाय की खेती और नेशनल पार्क, इसको शो करता हुआ ये झांकी। गुजरात गुजरात किस जगह को शो कर रहा है, किस मंदिर को शो कर रहा है, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। और ये लद्दाख की झांकी, मोनेस्ट्रीज लद्दाख के, इस मोनेस्ट्री का नाम मैं भूल रहा हूँ और जगह भी मैं भूल रहा हूँ, काफ़ी ऊँचे जगह पर है। हाल ही में इसे एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था आर्टिकल 370 को हटाने के बाद। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, नाग, हेलिना, संत। अब ये है भारत के सैन्य टाइम आ गया है जब भारत की शक्ति का प्रदर्शन किया जाए और उससे रूबरू हुआ जाए। DRDO का ये झांकी अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम करता हुआ और शो करता हुआ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, Sukhoi-30 नेत्र, अपाचे, LCH, तेजस। पुराने वीडियोस में आप देख सकते हो मैंने जानकारी दे रखी है। इंडियन नेवी की INS कमोर्टा, कमांड ऑपरेशन, सरेंडर सेरेमनी, ये जो दिया गया है 1971 के युद्ध के बाद का, काफ़ी भारत के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण ये फोटो रहा है। गूगल पे बोलोगे आ जाए, मोबाइल पे दिखाएगा। तो ये 1971 के
थीम को अपनाता हुआ युद्ध को जीतने के बाद कहां कहां पर अटैक किया गया, कहां कहां जीता गया और पाकिस्तान ने किस तरीके से आत्मसमर्पण किया था। उसके बाद बांग्लादेश का भी निर्माण हुआ था। तो ये एक तरीके से पहली झांकी थी भारतीय नौसेना की। 26 जनवरी को हर वर्ष परेड की जाती है गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर, जो राष्ट्रपति भवन से शुरू होती है और जिसका अंत समापन कह लें लाल किले पर होती है। झांकियां आमतौर पर पूरी की पूरी झांकियां लाल किले तक पहुंचती है और परेड की कुछ टुकड़ियां यहां तक आती हैं। तो ये शुरुआत कर रहे हैं, अभी लाल किले पर हैं भारतीय नौसेना। हम देखते हैं किन किन झांकियां किन की आज निकाली गई थी। कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसके बाद चूज़ किया जाता है कि किन की झांकियां परेड में निकाली जाएंगी। तो इस बार देख रहे हैं पहले भारतीय नौसेना, उसके बाद भारतीय वायुसेना। और ये DRDO। तो भारत के शक्ति को प्रदर्शित करते हुए ये झांकियां अब राज्यों की बारी है। लद्दाख, जिसे यूनियन टेरिटरी का नाम दिया गया है, दर्जा दिया गया है, ये उनकी झांकी है। वहाँ के मोनेस्ट्री की काफ़ी फेमस है और जब भी आप लद्दाख जाएंगे यहाँ लोग घूमने जाते हैं। गुजरात, संगीत मंदिर, ये आसाम की झांकी है, टी प्लांटेशन, चाय के बागान, और उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क, वन हॉर्न्ड राइनोसेरस, तमिलनाडु अगला नंबर पर। ये ठीक है, महाराष्ट्र, संत ज्ञानेश्वरी, संतों की परंपरा, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत जनाबाई, संत सावता, शिवाजी का भी था, संत वांग। उत्तराखंड, ये वैली ऑफ फ्लावर्स, और उसके बाद केदारनाथ मंदिर। इनको शो करता हुआ उसके बाद छत्तीसगढ़ को आप देख सकते हो। ये थीम इनका काफ़ी संगीतमय है, सच बताऊं तो मुझे ये अच्छा लगा है। संगीत की प्रथा को, संगीत की परंपरा को छत्तीसगढ़ में किस तरीके से दर्जा दिया जाता है। पंजाब आज के दिन लाल किले के लिए जाना जाएगा, गुरुद्वारे की परंपरा, सिख धर्म को, सिख पंथ को, खालसा पंथ को दर्शाता हुआ। ये त्रिपुरा, इसका भी थीम काफ़ी सुंदर है, कहीं ना कहीं बैम्बू बांस के उद्योग को ये बढ़ावा देने की बात करता है। घर बना सकते हो, घर के अलग अलग ज़रूरी सामान बना सकते हो, सजावट के काम में ला सकते हो। रसायन विज्ञान, पश्चिम बंगाल, वहाँ के मजबूत जो साहित्य है, एजुकेशन है, उस चीज़ को ये दर्शाता हुआ है, उस परंपरा को दर्शाता हुआ पश्चिम बंगाल। सिक्किम की बौद्ध परंपरा को
मोनेस्ट्री की परंपरा को दर्शाता हुआ। ये किस चीज़ को दर्शाता है, नाम क्या है इस मोनेस्ट्री का, मुझे आइडिया नहीं है। उत्तर प्रदेश की झांकी को दिखाता हुआ और ये प्रस्तुत जो प्लान है निर्माणाधीन, जिसे अयोध्या के राम मंदिर को दर्शाता हुआ ये, जो कि बनेगा कुछ सालों में। और ये लाल किले पे लाल किला, दिल्ली के टैबलो को दर्शाता हुआ। चांदनी चौक का दृश्य ही है, चांदनी चौक रोड जो मेन रोड है, इस पे आप दिगंबर जैन मंदिर, शिव मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा और लास्ट में एक मस्जिद भी है, उन्हें शो किया जाता है। शो करता हुआ दिल्ली की झांकी, कर्नाटक। केरल, केरल की क्वायर इंडस्ट्री, नारियल की इंडस्ट्री को यह दर्शाता हुआ। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ की जनजाति संस्कृति को दर्शाता हुआ। भारत का सबसे पूर्वी देश, सबसे पूर्वी राज्य, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डिजिटल इंडिया, भाजपा सरकार के सबसे अहम योजनाओं में से एक, डिजी लॉकर, CSC, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का अगला टैबलू है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, किसानों को, मजदूरों को, ये चक्र, इंजीनियर्स को, महिला, सबको दर्शाता हुआ। दिव्यांग सशक्तिकरण को भी यह दर्शाता है। ये सिंबल्स हैं पढ़ने लिखने के लिए, एक सांकेतिक भाषा, एक राष्ट्र और एक सांकेतिक भाषा, तो बुद्धियों के बातचीत करने के लिए सांकेतिक भाषाओं का यूज़ किया जाता है, और जिसे बढ़ावा दिए जाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हम अलग अलग भाषाओं पर ध्यान तो देते हैं, लेकिन ये जो सांकेतिक भाषा है, जिसे एक तरीके से आप बॉडी लैंग्वेज का एक एक्सटेंशन कर सकते हो, उसे समझना पढ़ाना ज़रूरी है। आयुष मंत्रालय, हर्बल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करना है, लौंग, हल्दी, आंवला, लहसुन, अदरक, इलायची, दालचीनी, इन सबको मिला के काढ़ा पियो, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आयुष मंत्रालय। और ये जो है, ये CRPF का टैबलू है, देश के आंतरिक सुरक्षा को मजबूत रखने के लिए CRPF के अलग अलग काम आते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट इन्हें दिया जाता है। 2020 कोविड को कारण 2020 को एक तरीके से ठहराव का युग माना जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी विभाग का COVID-19 वैक्सीन मिशन, कोविड सुरक्षा, अलग अलग लोगों को दर्शाता हुआ, चाहे वो रिसर्च का प्रोजेक्ट हो, दवा बनाने का प्रोजेक्ट हो, वैक्सीन का प्रोजेक्ट हो, ट्रायल फेज, किस तरीके से लैब में वैक्सीन का प्रोडक्शन किया गया है, उस प्रोसेस को दर्शाता हुआ था। और ये जो है, ये इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तट रक्षकों की झांकी,
वोकल फॉर लोकल, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, वही भीम ऐप, ग्रीन कारें, खादी इंडस्ट्री, काफ़ी चीज़ों को ये समाये हुए हैं। तो एक अच्छा थीम है इनका भी, और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन का ये रोड कनेक्ट करती हैं, और ये डेडिकेटेड है, जिसमें सबसे खास होगा अटल टनल रोहतांग, जिसे इस साल चालू किया गया है, और जो कहाँ अगर ये बताओ मुझे, जो आपको मनाली को किलोंग से जोड़ेगा और जिसकी दूरी करीब 3 घंटे घट जाएगी, और ये 12 महीने आप ये रोड जो होगा एक्सेसिबल है। लोक निर्माण CPWD का ये है इंडिया गेट का, अभी थोड़ी सजावट काफ़ी अच्छी की गई थी जिसे अब उखाड़ दिया गया, धीरे धीरे रात तक इसकी ख़त्म हो जाएगी सुंदरता, हालांकि काफ़ी सुंदर है। संस्कृति मंत्रालय का ईस्ट इंडिया प्रोजेक्ट इस तरीके से आप बोल सकते हो, पूरे ईस्टर्न इंडिया को समेटने की कोशिश की गई है। हेलो पाजी पाजी, और ये कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस को भी, तो ये थी अंतिम झांकी जो कि लाल किले तक पहुँचे हैं, और ये लाल किला का सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं, जहाँ पर आप यहाँ 26 जनवरी को किसानों को दिया गया था परमिशन ट्रैक्टर रैली के लिए, लेकिन वो दिल्ली के बाहरी छोर पे था, 3 जगह टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और तीसरी जगह जो कि गाजीपुर बॉर्डर थी, इन 3 बॉर्डरों पे करीब 60-60 किलोमीटर का रूट उनके लिए उपलब्ध कराया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा, परमिशन जो दिया गया था, लेकिन उस रूट से इन लोगों ने डाइवर्स किया है किसानों ने, और यहाँ लाल किले पे पताका फहराया है। शाम का टाइम है, इनकी सुंदरता आप देख सकते हो, और ये तिरंगे के नीचे 2 और भी निशान हैं, 2 झंडे हैं, एक पीला और एक केसरिया, पीला किसान संगठन के लिए और जो केसरिया है वो खालसा पंथ को दर्शाता है, जो कि सिख धर्म के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है, और ये जो ऑरेंज है केसरिया, इसमें जीत होगी इस बात को लिखा गया है। तो काफ़ी एक तरीके से किसानों का ये आंदोलन पंजाब हरियाणा के किसान आए हुए हैं। अब शाम का टाइम है, अभी कुछ देर पहले भीड़ काफ़ी थी, थोड़ी सी कम हुई है पहले से भीड़, और ये लोग वापस जाने की तैयारी में हैं, देखना है कब तक ये वापस होते हैं, तो बट भीड़ पहले से कम हो गई, ट्रैक्टर सब धीरे धीरे निकलने लगे हैं,